गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ मनदीप सिंह, SST टीचर. सो टूडे आई एम विद द चैप्टर नंबर 8 ऑफ 12th क्लास हिस्ट्री. ठीक है, डीकोलोनाइजेशन इन एशिया चाइना. ठीक है, बिकॉज द ICSE बोर्ड हैज़ कट द अफ्रीका घाना एंड कीनिया डीकोलोनाइजेशन. ठीक है, सो टूडे विल लर्न अबाउट ओनली द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन ऑफ एशिया. फर्स्ट इज एंट्री ऑफ द वेस्टर्न पावर्स. ठीक है, जब 19th सेंचुरी का जो मिड था, अर्ली पार्ट था, उस टाइम जो चाइना था उसने अपने आप को सारे वर्ल्ड से, ठीक है, अलग रखा था. तो उसका किसी के वर्ल्ड के किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई भी अच्छा रिलेशन नहीं था. अच्छा भी कह सकते हैं और हम ऐसा भी कह सकते हैं उसका कोई रिलेशन नहीं था. बस वो एक सिंपल लिविंग लाइफ स्टाइल जो था उसे व्यतीत कर रहे थे. ठीक है, तो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग जो था वो व्यतीत कर रहे थे और वो भी पीसफुली, क्योंकि उनका किसी भी कंट्री के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं था. सो जब ये सब कुछ 1640 से चल रहा था, जो मांचूस थे, ठीक है, वो मंचूरिया स्टेट से थे. ठीक है, तो जो किंग थे उनकी बैकग्राउंड जो थी वो मंचूरिया स्टेट से थी. तो इसके अलावा जब 19 सेंचुरी का मिड आता है तो जो नौ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्चुगीज़, ठीक है, वो अलग अलग समय पर चाइना के दरवाजे के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे जो लैंड होती है चाइना की उसको आकुपाई करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहले जो पोर्चुगीज़ आए थे वो मकाओ आए. ठीक है, उसके बाद जो फ्रेंच पीपल थे वो फॉर्मोसा आए. ठीक है, और उसके बाद जो ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, वो कैंटोन की जो पोर्ट है वहाँ पर वो पहुँच गए. ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है, तो उन्होंने अपने ट्रेड के लिए प्रिविलेजेस थे, ठीक है, उनकी डिमांड्स करनी शुरू कर दी. ठीक है, तो उसमें सबसे जो पहले ट्रेड जो ज़्यादा ट्रेड चल रहा था वो था ओपियम का ट्रेड. तो ओपियम की ट्रेड को लेकर मोनोपोली के लिए, ठीक है, अलग अलग पावर जो यूरोपियन पावर्स थी और चाइनीज पावर थी उनमें स्ट्रगल होना शुरू हो गया, कन्फ्लिक्ट पैदा होने शुरू हो गए. और जब ओपियम वॉर्स जो थी, ठीक है, जो पहली ओपियम वॉर थी वो, ठीक है, 1839-42 में हुई. ठीक है, दूसरी ओपियम वॉर जो थी वो 1854-1860 में हुई. ठीक है, और दोनों वॉर्स जो थी वो अलग अलग जो किंग्स थे, एम्पायर थे, उनके टाइम में हुई. ठीक है, तो इस तरह से जो ओपियम वॉर्स थी उनमें सिर्फ ब्रिटिश, जो फर्स्ट ओपियम वॉर थी उसमें ब्रिटिश जो एम्पायर था वो जीत गया था. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने चाइनीज एम्पायर के ख़िलाफ़ जो वॉर लड़ी थी, ठीक है, जंग लड़ी थी. जो दूसरी ओपियम वॉर हुई थी उसमें फ्रांस ने, ठीक है, ब्रिटेन का साथ दिया था. इस तरह से फ्रांस और ब्रिटेन की जो एंग्लो फ्रेंच आर्मीज थी उन्होंने चाइनीज़ आर्मी को हरा दिया. ठीक है, इस तरह से जो फर्स्ट ओपियम वॉर हुई उसके अनुसार जो हांगकांग था वो इंग्लैंड को दे दिया गया, यूके को दे दिया गया. ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड ओपियम वॉर हुई थी, ठीक है, उसमें भी कुछ पार्ट्स जो थे वो फ्रांस और रशिया को दे दिए गए थे. ठीक है, और हांगकांग के साथ के जो दूसरे आइलैंड से, ठीक है, दूसरी ओपियम वॉर की ट्रीटी के अनुसार वो यूके को दे दिए गए. ठीक है, इस तरह से जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने चाइनीज लैंड के ऊपर अपना, ठीक है, अपने आप को लैंड किया और वहाँ पे जो अपना कब्जा था, ठीक है, उसे करना शुरू कर दिया. उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद फिर एक ताइपिंग रिवोल्ट होता है जो 1850 से लेकर 64 तक चलता है. ठीक है, जो ताइपिंग रिवेलियन है, ठीक है, एक ताइपिंग हेवनली किंगडम था, जो एक अनरिकोगनाइज्ड किंगडम था. ठीक है, ताइपिंग हेवनली किंगडम था, उसके नेम के ऊपर ही इसे ताइपिंग रिपेलियन कहते हैं. ठीक है, जो ताइपिंग हेवनली किंगडम था वो कह सकते हैं कि हक्का पीपल थे, उनके द्वारा वो चलाया जाता था. ठीक है, तो इस तरह से जो ताइपिंग जो हक्का पीपल थे वो ताइपिंग हेवनली किंगडम के ऊपर वो राज कर रहे थे. ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि
जो टाइपिंग हेवनली किंगडम था वो बहुत सारी स्टेट्स में फैला हुआ था, ठीक है, जैसे गुआंगडोंग स्टेट में भी फैला हुआ था, मंचूरिया के पार्ट्स में भी फैला हुआ था, ठीक है, एक शिनजाई जो स्टेट्स उसमें भी फैला हुआ था, ठीक है। इस तरह से जो टाइपिंग रिबेलियन था, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये टाइपिंग रिवोल्ट की एक बहुत बड़ी जो स्टोरी है, ठीक है, बस यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो किंगडम था उसने चाइनीज़ जो पावर थी, ठीक है, उसके विरुद्ध उसके अगेंस्ट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस रिवोल्ट को हम एक आधी रिलीजियस मूवमेंट भी कह सकते हैं और आधी पॉलिटिकल मूवमेंट भी कह सकते हैं। रिलीजियस मूवमेंट इसलिए कह सकते हैं जो टाइपिंग रिबेलियन का टाइपिंग हेवनली किंगडम था उसका जो हेड था वो क्रिश्चियन को रिलीजन को फॉलोअप करता था, वो बुद्धिज्म और कन्फ्यूशियनिज्म को चाइना से हटाना चाहता था, इसलिए हम इसे रिलीजियस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह इस मूवमेंट में टाइपिंग जो समर्थक होते हैं उनकी बुरी तरह हार होती है, उन्हें कुचल दिया जाता है मांचू एम्पायर की आर्मी के द्वारा। जब ये इतना ही ख़त्म होता है तो जो लास्ट ईयर होते हैं, ठीक है, 19th सेंचुरी के, उनमें, ठीक है, चाइना जो जापान था उसकी एक वॉर होती है, जापान जीत जाता है, चाइना हार जाता है। इस तरह से जो कोरियन एम्पायर होता है वो जापान के अंडर चला जाता है। सो देन जो बॉक्सर, फिर बॉक्सर रिवोल्ट होता है 1898 में, 1900 में, ठीक है। बॉक्सर जो नेम था रिवोल्ट का इसलिए पड़ा था क्योंकि एक बॉक्सर सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है, वो सीक्रेट सोसाइटी एक मार्शल आर्ट भी उन्होंने सीखा हुआ था, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो जो सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं, मैंने आपको बताया ही है कि जो सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो सीक्रेट सोसाइटीज़ हमेशा काम करती हैं कि उनके जो काम होता है वो सीक्रेट होता है, उनकी जितने भी पेपर वर्क होता है वो भी सीक्रेट होता है, सीक्रेट होता है। जो लोग उसमें मेंबर होते हैं उनकी जानकारी भी, उनकी इन्फॉर्मेशन भी सीक्रेट होती है, उनकी एक्टिविटीज़ भी सीक्रेट होती हैं, ठीक है। इस तरह जो बॉक्सर राइजिंग थी, ठीक है, वो उन्होंने मांचू जो एम्पायर था उसको सपोर्ट की थी, और इसलिए हम कह सकते हैं जो बॉक्सर अपराइजिंग थी वो एंटी इम्पीरियलिज्म, ठीक है, और एंटी फॉरेन पावर्स मूवमेंट थी, ठीक है। तो मांचूस ने रिबेलियन के जो बॉक्सर के मेंबर्स थे, मिलियन में थे, ठीक है, उन मेंबर्स के साथ मिलकर, ठीक है, जो ब्रिटिश पावर्स थी या कोई और फॉरेन पावर्स थी उनके अगेंस्ट ये वॉर लड़ी थी, ठीक है। तो जो इसके अगेंस्ट लोग थे उसमें हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने भी अपनी आर्मी भेजी थी, ठीक है, जापान भी था, ठीक है, और यूरोप के कंट्रीज़ भी, सभी कंट्रीज़ से जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ठीक है, और सभी कंट्रीज़ ने अपनी आर्मी भेजी थी। और इस तरह से जो मांचूस एम्पायर की जो आर्मी थी उसे बुरी तरह से कुचल दिया था, ठीक है। तो इस तरह से जो बॉक्सर रिबेलियन वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आगे जाकर क्या होता है कि जो बॉक्सर रिबेलियन में जो भी खर्चा आया था वो सारा का सारा खर्चा था वो, ठीक है, कह सकते हैं कि हमें जो वहाँ के एम्पायरर्स थे उन्होंने पे करना था वो कंपेंसेशन, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन पावर्स का कहना है कि उनका बहुत सारा खर्च हुआ है और उस खर्च को चुकाने के लिए जो एम्पायरर है वो उन्हें पे करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इतना सब कुछ चाइना में हो जाता है, जो उसके लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, यंग पीपल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। वो आगे चलकर वो विदेशों में चले जाते हैं, मोस्टली इंग्लैंड में जाते हैं, वो फिर स्टडी करते हैं, और वहाँ से अब वापस आकर वो चाइना में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। उनमें एक प्रोटेस्टर थे सुन जात सेन, ठीक है, सुन जात सेन, और ये एक मेडिसिन डॉक्टर थे, इन्होंने भी मांचू गवर्नमेंट के साथ प्रोटेस्ट किया। जो 1911 की रेवोल्यूशन थी उसे ऑर्गेनाइज करने वाले कौन थे, सुन जात सेन ही थे, ठीक है। और इस तरह से जो रेवोल्यूशन ऑफ 1911 होती है, इस रेवोल्यूशन में, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है मांचू का, एम्पायर होता है उसे गिरा दिया जाता है और उसकी जगह के ऊपर, ठीक है, एक रिपब्लिक जी गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप है उसे एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। सो इस तरह से, ठीक है, 1912 में जो मांचू एम्पायर होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और रिपब्लिक ऑफ गवर्नमेंट है वो वहाँ पे सेटअप हो जाती है।
जो चाइनीज़ इसे जो रेवोल्यूशन ऑफ 1911 है इसे हम चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसे शिनहाई जो रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि शिनहाई एक कैलेंडर होता है, एक कैलेंडर है चाइनीज़ पीपल का। उसके अकॉर्डिंग जो जो ये 1911 का ईयर है, ठीक है, वो शिनहाई में आता है, ठीक है। इस तरह से उसका नेम शिनहाई पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद क्या होता है कि जब सुन जात सेन बाद में, ठीक है, जुआन शिकाई नू प्रेसिडेंट बना देते हैं और आप रिटायर हो जाते हैं। फिर तो जुआन शिकाई क्या करता है कि जितना भी अम्पायर होता है उसके ऊपर मिलिट्री की मदद से वो कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। और इस तरह से जो सुन जात सेन को फिर दूसरी बार जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ती है और जुआन शिकाई के अगेंस्ट उसे रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो जो जुआन शिकाई था वो अपना ही एक एम्पायर खड़ा करना चाहता था, वो एम्पायर बनना चाहता था, ठीक है। उसने लोगों में प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया था कि कैसे एक न्यू डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, चाइना में। तो जब उनकी डेथ हो जाती है 1960 में जुआन शिकाई की, तो इसके साथ जो सारी प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये था आज तक का आपका चैप्टर, ठीक है, 8। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन।